हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? नया चैप्टर शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मॉडर्न सोसाइटी में। वो कंट्रोलेबल कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी की जो यूज होती है हमारे घर में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और इंडस्ट्रीज में। अब कुछ एक सवाल उठते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, ठीक है? उसका फ्लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे आता है? अब उसके कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं करंट को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस लेक्चर में, ठीक है? सो लेट्स डू इट। अब ये देखिए, तीनों साइंटिस्ट, एक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, दूसरा है अलेक्जेंडर वोल्टा, फिर है थॉमस एल्वा एडिसन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले काइट एक्सपेरिमेंट किया था 1752 में। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है कंडक्टर के थ्रू। अलेक्जेंडर वोल्टा ने 1800 में सबसे पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई, पहला हैंडमेड इलेक्ट्रिक करंट बनाया। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपको पता है कि उन्होंने बल्ब बनाया। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स को जो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। ये दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव वन है उसे प्रोटॉन और जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस का? वो है कूलम्ब, सी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जो चार्ज जिसके अंदर होता है 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट फ्यू। इन जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, उनके एग्जाम्पल्स हैं वुड और प्लास्टिक। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, तो अब उसे एक्सप्रेस कैसे करा जाता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं कहाँ, एक पर्टिकुलर एरिया में और टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? या फिर एक और वर्ड में कह लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस भी बोलते हैं, ठीक है? अब हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी से के बारे में पता था बट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था, तो हम नॉर्मली बोल देते थे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्जेस से है, उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्जेस हैं। जबकि असलियत में जब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा तो हमें पता लगा कि जो फ्लो हो रही है आपकी, करंट मूव कर रहा है, वो करता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई लेटर से। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट से जिसे बोलते हैं एम्पियर, ठीक है? जिसका नाम आया फ्रेंच जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर, एंटर मारे एम्पियर, ठीक है? एक एम्पियर में, यानी जब आपका एक कोलम का चार्ज एक सेकेंड में आता है तो उसको बोलते हैं एक एम्पियर, ठीक है? जो स्मॉल क्वांटिटी होती है ये आता है मिली एम्पियर, यानी 10⁻³ एम्पियर, या फिर माइक्रो, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है 6, 10⁻⁶ एम्पियर होता है। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस और क्लोज पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आप पिक्चर में देखें, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, लैंप है और स्विच है, ठीक है? अगर स्विच ऑन है तो इसका मतलब सर्किट हमारा क्लोज्ड है। अगर स्विच ऑफ है, ठीक है, तो वो सर्किट हो जाएगा आपका ओपन, ठीक?
तो स्विच क्या है? एक कंडक्टिंग लिंक है एक सेल और बल्ब के बीच में। अमीटर एक एपरेटस है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को जो सर्किट में हो, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है जब आप करंट उसमें मेजर करना होता है। अब एक न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड फॉर्मूला, ठीक है। जैसे पहले इसमें दे रखा है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी अगर नेट चार्ज आपका क्यू है और टाइम आपका है टी, तो आप करंट निकालेंगे तो आई निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें चेंज करने के लिए, आप लिखना चाहें क्यू कितना है, चार्ज कितना है, तो आप लिख सकते हैं आई इंटू टी, ठीक है। फिर आता है एक और फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ, एन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको समझने की कोशिश करने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। दिया हुआ है अ चार्ज ऑफ 35 कूलम फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटर इन 30 सेकेंड्स, फाइंड द फाउंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। गिवन दिया है Q, इलेक्ट्रिक चार्जेस वो कितना है 75 कूलम, T टाइम 30 सेकेंड्स है, I आपको निकालना है, तो I क्या है, फॉर्मूला है Q अपॉन T, चार्जेस अपॉन टाइम। तो 75 आपका हो गया कूलम और 30 हो गया आपका सेकेंड्स, तो उसका आंसर हो गया 2.5 एम्पियर। समझाने के लिए एक और न्यूमेरिकल, अ चार्ज ऑफ 95 कूलम पासेस थ्रू द वायर इन 1 hour एंड 15 मिनट्स, व्हाट इज द करंट फ्लोज इन द वायर। अब गिवन क्या है, Q यानी 90 कूलम, I आपको निकालना है, T दिया हुआ है। अब सबसे पहले टाइम को चेंज करना है, 1 hour को 60 सेकेंड्स में, 16 टू 60 सेकेंड्स, फिर 15 मिनट्स का हो जाएगा 15 इंटू 60 सेकेंड्स, टोटल आपके पास हो गए 4500 सेकेंड्स। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो लिखेंगे 90 कूलम अपॉन 4500 सेकेंड्स, तो आंसर आएगा आपका डिवाइड करने के बाद 0.02 एम्पियर, और यू कैन राइट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। जो अब तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक वर्कशीट आपके लिए अरेंज करी है, आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाय टिल देन फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, और कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ आपको एक वर्कशीट न्यूमेरिकल्स की इसमें ऐड कर रही हूँ, आप करना चाहें तो उसे करिए, आपके लिए इजी होगा, ठीक है। इसके बाद शुरू होते हैं नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2।